ब्रिटेन के एक मंत्री ने गुरुवार को बताया कि दुनिया कोरोना वायरस के करीब 4000 वेरिएंट का सामना कर रही है। इससे मुकाबले के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपने टीकों को बेहतर करने के लिए रिसर्च में जुट गई हैं। कोरोना के ब्रिटिश, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी समेत करीब 4000 वेरिएंट बताए जा रहे हैं। इनमें से कई ज्यादा संक्रामक हैं। ब्रिटेन में गत दिसंबर में कोरोना का नया वेरिएंट मिला था। ये विश्व के 80 से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है। ब्रिटेन के वैक्सीन मामलों के मंत्री नदीम जहावी ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट में भी पूरी तरह प्रभावी है, इसको लेकर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के सभी उत्पादक टीकों को और प्रभावी बनाने के काम में जुट गए हैं। विश्व में कोरोना के करीब 4000 वेरिएंट हैं। फ्रांस में बीते 24 घंटों में 26,362 नए संक्रमितों के मिलने से कोरोना के मामले बढ़कर 32,51,000 से ज्यादा हो गए। फ्रांस में कोरोना से कुल 77,000 लोगों की मौत हुई है। रूस में भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रूस में 16,714 नए संक्रमित पाए जाने से पीड़ितों का आंकड़ा 39,17,000 हो गया है। इस देश में कुल 75,205 की जान गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।